वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में बात करूंगा मैं दो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक कल के मार्केट 7 दिसंबर 2023 थर्सडे गुरुवार के लिए, और साथ में हम देखेंगे कल जो हमने स्टॉक लिया था जीके पेपर, आज 3% तक का मोमेंटम किया है। तो देखिए क्या स्विंग ट्रेडिंग प्लानिंग हो सकती है, किसी भी स्टॉक में BTSC ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, और देखेंगे हम पूरा क्राइटेरिया स्विंग ट्रेडिंग का, और देखेंगे हम दो स्टॉक्स टारगेट स्टॉक के साथ कल के मार्केट के लिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पास परफॉर्मेंस की। तो यह वीडियो मैंने बनाया था आज के मार्केट के लिए 6 दिसंबर, और यहाँ पर हम बाय करने वाले थे जेके पेपर को 395 से। इसका कल का क्लोजिंग था 394.15 का जेके पेपर का। तो आइए देखते हैं आज स्टॉक के अंदर में क्या हुआ जेके पेपर में। तो यह स्टॉक गैप अप हुआ पहले 2%, मतलब 402 पे। इसका आज का जो कैंडल ओपन हुआ है, वो कैंडल का ओपनिंग आज का 402 पे ओपन हुआ था ये, और हाई लगाया 408 रुपये का। और यहाँ पे BTST में बाय टुडे सेल टुमारो में ट्रेड बनता था यहाँ पे 394 से लेकर 395 में। तो आप देख सकते हैं पूरा 3% का मूव, 3.5% स्टॉक मूव हुआ है आज, और ओवरनाइट और शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर 3% का टारगेट डन हुआ यहाँ पर BTST में बाय टुडे सेल टुमारो में। तो अभी हम देखते हैं कल के दो स्टॉक्स के बारे में। तो अगर आपको प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं कल के दो स्टॉक्स के बारे में। तो आज अगर मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में जो ब्रेकआउट आया था वो केमिकल सेक्टर में आया था। तो दीपक नाइट्रेट को मैंने बहुत शानदार लेवल पर पकड़ा था मॉर्निंग सेशन में, आपने देखा होगा दीपक नाइट्रेट में एक लंबा स्पाइक आया था 2325 तक के। तो हमने दीपक नाइट्रेट को आज टारगेट किया था इंट्राडे में, और IT में ज़्यादा की मोमेंटम था। अगर आपका TCS लार्ज कैप अगर मार्केट को लीड कर रहा है तो बिरला सॉफ्ट जो स्मॉल कैप, उसमें बड़ा मोमेंटम आता है। तो आज हमने बिरला सॉफ्ट को ऑप्शन में टारगेट किया था। तो आइए बात करते हैं कल के दो स्टॉक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करो। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम का एप्लीकेशन है तो वहां पर आप सर्च करो इन्वेस्टमेंट ऑन टेलीग्राम चैनल, इसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जैसे केमिकल सेक्टर में आज मोमेंटम था, तो हमने दीपक नाइट्रेट को इस स्टॉक को हम बाय कर सकते थे 2258 पे, और टारगेट था यहाँ पर 92 का, लेकिन ये गया बाद में 2325 तक। एक जबरदस्त स्पाइक आया था एक 5 मिनट की कैंडल पे, और धमाकेदार मोमेंटम आया था। ऑप्शन में भी मेरा जो 83 का प्रीमियम है वो 140 तक के जा पहुंच गया था। बहुत जबरदस्त मोमेंटम आया था दीपक नाइट्रेट में, शानदार प्रॉफिट यहाँ पे निकला। तो अगर आपको बाजार में लॉसेस हुए, एक अच्छी मेंटरशिप आपको चाहिए, तो आप लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के डिटेल्स में यहीं पर डाल देता हूँ आपके लिए। तो आप इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। मोबाइल में अगर टेलीग्राम का एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं अभी पहले स्टॉक की। तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉक को डे कैंडल पे, स्टॉक को हमेशा आपको डे कैंडल पे स्टॉक को एनालिसिस करना चाहिए। ऑलवेज एनालाइज स्टॉक ऑन अ डे कैंडल। दूसरी बात, ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। तो आप देख, टोटल 9 क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड आया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, वापस रिटेस करके अभी जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको यहाँ पर ब्रेक करके स्टॉक बड़ा अपमूव यहाँ पर हमको प्रोवाइड कर सकता है JSW एनर्जी के अंदर। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पर डे कैंडल पे स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है JSW एनर्जी में आने वाले दिनों में। अब तीसरा, अभी यहाँ पर देखते हैं तीसरा पार्ट क्या रहेगा। तो RSI इंडिकेटर, RSI आपका 60 से बड़ा होना चाहिए, 70 से आपका छोटा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कोई भी स्टॉक, ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स क्यों गया। तो RSI जो है, RSI इंडिकेटर 60 से बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटा होना चाहिए आपका RSI। तो यहाँ पर मैं RSI इंडिकेटर को ग्राफ पे ऐड कर देता हूँ। तो RSI का कोई इंडिकेटर को मैंने ग्राफ पे लगा दिया है, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं किसी भी स्टॉक का RSI अगर 70 से ऊपर गया तो ओवरबॉट होता है, वो 30 के नीचे नीचे ओवरसोल्ड रहता है। तो ये स्टॉक का ग्राफ है, स्टॉक का प्राइसिंग स्केल है, और यहाँ पर बॉटम में आपको RSI का प्राइसिंग स्केल दिख रहा है। अगर स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो उसका RSI भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ता है। यहाँ पे मैं अगर प्रोजेक्शंस डालूँ, यहाँ पे मैं अगर प्राइस पे प्रोजेक्शंस डालूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, प्राइस के बढ़ने के साथ RSI का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है।
और ये बाउंड्री लाइट डॉटेड लाइन आरएसआई 70 है और ये आरएसआई 30 का लेवल है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आरएसआई 70 के ऊपर था, ओवरबॉट था, तो यहाँ पर करीबन 5% का ट्रेंड रिवर्सल आया स्टॉक के अंदर में। और उसके बाद जब जब आरएसआई 70 से ऊपर गया है तो ट्रेंड रिवर्सल आया है। आरएसआई को एडजस्ट करने के लिए स्टॉक बार बार यहाँ पर देखो नीचे आ रहा था, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, आरएसआई को एडजस्ट किया नीचे, फिर भागना शुरू कर दिया, फिर आरएसआई 70 के ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आरएसआई को एडजस्ट करने के लिए बार बार स्टॉक नीचे आता है। ओके, अब एक स्टॉक है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका आरएसआई अभी डे कैंडल पे 91 चल रहा है, वो स्टॉक काफी ट्रेंड कर रहा है इन दिनों, तो ध्यान में रखना उसका डे कैंडल पे आरएसआई अभी 91 पहुंच चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरसोल्ड की। तो जैसे ओवरबॉट पे ऊपर से रिवर्सल आता है, वैसे अगर स्टॉक लगातार अगर नीचे गिर रहा है तो आरएसआई 30 के नीचे नीचे ओवरसोल्ड के बाद यहाँ पे देखो करीबन 10% तक का रिवर्सल आया, फिर गिरा और फिर ओवरसोल्ड हुआ, फिर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर आया। तो जब जब आरएसआई आपका 30 होगा, 30 से नीचे, यहाँ पर 30 के नीचे था इस बॉटम पर, गिरते 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 स्टॉक ने ये बॉटम बना दिया, इस बॉटम में 30 के नीचे था तो यहाँ पर भी वापस से ट्रेंड रिवर्सल आया। तो ये इंडिकेटर के बारे में डिटेल में स्टडी करो, ओवरबॉट के ऊपर ऊपर ट्रेंड रिवर्सल और 30 के नीचे ओवरसोल्ड से फिर ट्रेंड रिवर्सल, ये आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर इन्वेस्टमेंट करने का पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल आपको आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे आरएसआई 30 के आसपास पहुंच चुका था, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 220 पर ये स्टॉक मिलता था और अभी आपका पैसा डबल हुआ रहता केवल 6 महीने के अंदर में। तो अभी फरवरी से अभी 8-9 महीने हुए, 9 महीने में पैसा डबल, तो 220 पे आपको मिलता था। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस की तरफ से। कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें आरएसआई आप लगा के देखिए। अब देखते हैं यहाँ पे तो आरएसआई अभी कितना है, स्टॉक का ब्रेकआउट पर है, आरएसआई अभी 70 के नीचे है, तो ओवरबॉट अभी हुआ नहीं है, 60 से बड़ा है, 70 से छोटा है। अगर मैं बोलिंगर बैंड अगर यहाँ पे लगाऊँ, बोलिंगर बैंड का इंडिकेटर, तो आप देख सकते हैं डे कैंडल पर, डे कैंडल पर ये लोअर बोलिंगर बैंड है, ये 20 एसएमए लाइन है और ये अपर बोलिंगर बैंड है। तो यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है, डे कैंडल पे अपर बुलिंगर बैंड को यहाँ पर फायर कर रहा है, तो बड़ा अपमूव यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये 4 प्रिंसिपल क्राइटेरिया है, लेकिन अगर हमको इससे भी बेहतर स्टॉक बाय करना है और भी जो है स्कैनर, मैं आपको स्कैनर भी प्रोवाइड करूँगा जिससे आप ये स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए। बिल्कुल वो जो स्कैनर है वो आपको मैं दूंगा, वो BTST के लिए बाय टुडे सेल टुमारो और स्विंग ट्रेडिंग दोनों बात एक ही है। तो BTST में क्या करते हैं, हम स्टॉक को 3:30 बजे ही खरीद लेते हैं, 3:25 को, 3:20 से लेकर 3:25 के बीच में इन स्टॉक्स को हम खरीद लेते हैं BTST के थ्रू। तो बताऊंगा आगे मैं क्या प्रोसेस है उसका। अब देखते हैं इसमें एंट्री कहाँ से बनाएंगे, तो इसमें हम एंट्री बना सकते हैं 440 से, परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल बाय करने के हिसाब से 440 से। अब देखते हैं यहाँ पर टारगेट SL क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड करो टेलीग्राम का प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम ऐप पर आप सर्च रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आप सर्च करो इन्वेस्टमेंट टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज टाटा केमिकल SRF सब ट्रेंड कर रहे थे मॉर्निंग में, तो हमने दीपक नाइट्रेट को आज टारगेट किया और शानदार प्रॉफिट यहाँ पर निकला, करीबन 3% तक के आज ये स्टॉक मूव किया था। बिल्कुल तो 2258 से ये स्टॉक गया 2323 तक के, बहुत जल्दी मोमेंटम हुआ, 5 मिनट्स में बड़ा कैंडल बना यहाँ पे दीपक नाइट्रेट के अंदर। तो आप इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल 9:15 के बाद वापस से मैं यहाँ पर अपना एक इंट्राडे लेवल पोस्ट करूंगा इस चैनल पर, मैं अपना कल इंट्राडे लेवल पोस्ट करूंगा दीपक नाइट्रेट की तरह कल मॉर्निंग में 9:15 के बाद। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन द पब्लिक टेलीग्राम चैनल इन्वेस्टमेंट वन। अब आइए बात करते हैं टारगेट SL की। तो JSW एनर्जी में टारगेट SL 440 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। अब यहाँ पे टारगेट SL क्या रहेगा, तो देखिए टारगेट जो पहला रहेगा, अगर मैं इसको BTST में अगर टारगेट करता था तो मैं ये 436 में भी मिल सकता था आराम से, और मैं कल इसको 444 में इसको बेच दिया रहता 2% के प्रॉफिट में अर्ली मॉर्निंग में। तो BTST में स्टॉक पहले मिल जाता है हमको अगर हमको बाय टुडे सेल टुमारो करना है, तो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन 440 पे यहाँ पर एंट्री बन सकती है और यहाँ पे मेरा पहला टारगेट रहेगा 446 का, सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पर 456 का,
और मेरा SL रहेगा यहाँ पे 436 का। अगर कल ये गैप अप हो गया 448 पे ही ओपन हो गया तब तो यहाँ पे 2% ऑलरेडी गैप अप हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे अपना मतलब BTST में ये बढ़िया ट्रेड बन सकता था फिर उस केस के अंदर में। तो BTST में क्या है ना, जो पूरा 9 क्राइटेरिया हमको लगेंगे वहाँ पर BTST के लिए, क्लोजिंग का क्राइटेरिया वहाँ पर देखना पड़ता है, उसके बाद स्टॉक फिल्टर कहाँ से करेंगे, कौन सा स्कैनर यूज़ करना है, एडजस्टमेंट कैसे करने है, पूरे के पूरे 9 क्राइटेरिया स्विंग ट्रेडिंग के BTST के मैं आपको समझा दूंगा, ताकि ऐसे स्टॉक्स को आप जल्दी पिक कर पाओ लाइव मार्केट में 3:25 को ही, ताकि आप BTST ट्रेड 325 को लेते हैं और नेक्स्ट डे उसको स्क्योर ऑफ करते हैं। तो एंट्री लेवल 440 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये मेरा SL रहेगा। गैप अप अगर हो गया तो मैं उसको अवॉइड कर दूंगा BTST, क्योंकि बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बन सकता था। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की। तो दूसरा जो ट्रेड है वो है लेमन ट्री होटल्स का, लेमन ट्री होटल्स। अब देखते हैं लेमन ट्री होटल्स को, तो क्लियरली आप यहाँ पर दिख रहा है एक बढ़िया अप ट्रेंड स्टॉक में आया था, वापस यहाँ पर रिजेक्ट हुआ और वापस ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अभी बड़ा अप मूव यहाँ पर ऊपर के टाइप पर हमको दे सकता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, डे कैंडल पे स्टॉक रेजिस्टेंस पे ही क्लोज हुआ है और RSI स्टॉक का जस्ट 60 है, मतलब 60 होने ही वाला है बिल्कुल, और RSI 60 इक्वल टू और 70 से छोटा होना चाहिए, तो 70 से छोटा ही है यहाँ पर। और अगर मैं बुलिंगर बैंड को अगर एक्टिवेट कर दूँ यहाँ पे, तो क्लियरली आप देख सकते हैं डे कैंडल पे स्टॉक ने क्या कर दिया है, डे कैंडल पे स्टॉक ने अपर बुलिंगर बैंड को यहाँ पर फायर कर दिया। ये लोअर बुलिंगर बैंड है, ये 20 SMA लाइन है, और अपर बुलिंगर बैंड को यहाँ पर स्टॉक ने डे कैंडल पे फायर कर दिया है। तो ये एक बढ़िया ट्रेड कल के मार्केट में बन सकता है लेमन ट्री होटल्स के अंदर में। तो इसको मैं बाय करना चाहूँगा 119 के ऊपर ऊपर मैं इसको बाय कर सकता हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पर टारगेट SL क्या रहेगा। उससे पहले लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आज इंट्राडे का लेवल मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था दीपक नाइट्रेट का, शानदार टारगेट डन यहाँ पर हुआ। तो अगर आपको बाजार में लॉसेस हुए, आपको एक लाइव ट्रेनिंग चाहिए, अच्छी मेंटरशिप चाहिए, तो उसका डिटेल्स मैं यहीं पे आपको शेयर करता हूँ, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, कल मॉर्निंग में 9:15 के बाद यहाँ पर मैं अपना लेवल पोस्ट करूंगा वापस से इंट्राडे का। तो करना क्या है आपको, अब देखते हैं इसके इस चैनल का फायदा क्या है, व्हाट इज द, कोई भी लेवल चाहे यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको लेवल पोस्ट कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, जैसे मैं ग्राफ यहाँ पे स्टॉक में आपको शेयर करता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पर, आपको उसका ग्राफ ओपन करना है। आपने ग्राफ ओपन कर लिया तो प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर सब कुछ वहाँ पे लगाओ, जो भी आपने सीख के रखा है मार्केट में, उसके बाद डिसाइड करो आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। सो प्लीज ज्वाइन द पब्लिक टेलीग्राम चैनल इन्वेस्टमेंट वन। अब आइए बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की। तो सेकेंड स्टॉक लेमन ट्री होटल है। BTST में ये ट्रेड करीबन 117 के आसपास बन सकता था और शानदार लेवल था 117, यहाँ पर ब्रेकआउट पे हम इसको बाय कर सकते थे BTST में। अब कल मॉर्निंग में क्या होगा, तो 119 के ऊपर और बाय BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, तो उसमें हम लोग एंट्री बनाते हैं 3:20 से लेकर 3:25 के बीच में, 3:30 के बीच में, और उसके बाद नेक्स्ट डे 9:15 के बाद उसको स्क्योर ऑफ करते हैं, ताकि जो गैप अप कभी कभी स्टॉक हो जाता है उसका फायदा हमको मिलता है BTST में। तो एग्जैक्ट जिस लेवल पर हम उसको खरीदना चाहते हैं उस लेवल पर हमको ये स्टॉक मिलता है, जैसे 117 पे मैं इसको खरीदना चाहता हूँ उसी लेवल पर हमको मिलता है बाय टुडे सेल टुमारो करने से। तो पूरा उसका लाइव ट्रेनिंग में आपको दूंगा BTST का, ऑप्शन का और इंट्राडे कैश का भी। तो हम इसको बाय करेंगे 119 से, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 122 का और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा यहाँ पर 125 का, मेरा SL रहेगा 117 का। तो एंट्री लेवल फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये मेरा SL रहेगा। तो दिस इज द सेकंड स्टॉक लेमन ट्री होटल्स का। तो पहला जो स्टॉक था वो था JSW एनर्जी का। अगर आपको लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने वेबसाइट और वेबसाइट का लिंक और फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7749955311, इस नंबर 7749955311 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रोग्राम का फीस रहेगा आपका 3000 रुपीज़। प्रॉपर BTST ऑप्शन इंट्राडे की लाइव ट्रेनिंग आपकी होंगी विथ रिकॉर्डेड क्लासेस
और लाइव ट्रेनिंग आप लेंगे उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएंगी। और बैचेस रहते हैं सैटरडे और संडे को 11 AM to 1 PM। तो आपको स्कैनर भी प्रोवाइड करूंगा मैं, जो स्कैनर मैं यूज़ करता हूँ इन स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए। तो ये दोनों लेवल मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा खुद का रिसर्च है, आप खुद भी स्टॉक की स्टडी करिए और डिसाइड करिए आपको इन स्टॉक को बाय करना चाहिए नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।